हेलो गाइस, तो ये हैं 15 अक्टूबर के पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो कि अब तक आई हैं। सो इफ वी चेक आउट द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में 25 अगस्त को इन्होंने अप्लाई किया था और 28 अगस्त को आया इनका BCL और 15 अक्टूबर को आया है इनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जिसे हम PPR बोलते हैं। सेकेंड केस है, फर्स्ट एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की थी 7 जून को, 29 जून को बायोमेट्रिक हुए, मेडिकल अपडेट हुआ 6 जुलाई, रिफ्यूज़ल आया 3 अगस्त को, और सेकेंड एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की 7 अगस्त को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 14 अगस्त को, मेडिकल अपडेट हुआ 5 अक्टूबर, BVR एंड PPR 15 अक्टूबर को। थर्ड केस है हमारे पास, रीअप्लाइड केस है, 7 अगस्त को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, 15 अक्टूबर को इनका आया कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR। उसके बाद है, ये मुझे इंस्टा पर मैसेज आया था एंड दे गॉट वीज़ा आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ वेट। फाइल लॉन्च की थी 26 अगस्त 2021 को और मेडिकल और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और PPR 15 अक्टूबर को आए। रीअप्लाई इन्होंने किया हुआ था विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड SOP कनाडा और कॉलेज नॉर्थ बे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 3 बार इनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ था। उसके बाद है जी हमारे पास, इन्होंने अप्लाई किया था 20 अगस्त को, 21 अगस्त को आया इनका BCL, 15 अक्टूबर को आया इनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR। तो मेडिकल इनका जो था वो 17 जुलाई को ऑलरेडी डन था। उसके बाद है हमारे पास, इन्होंने 26 अगस्त को फाइल लॉन्च की थी रीअप्लाइड केस और 15 अक्टूबर को इनका आया PPR और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास केसेस कई सारे, जुलाई 21 को फाइल लॉन्च की थी और 22 जुलाई को आया BCL, 15 अक्टूबर को आया कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR। और ये थोड़ा सा गलती से रह गया, चलो कोई बात नहीं। 24 अगस्त को नेक्स्ट केस में अप्लाई किया था, 25 अगस्त को आया BCL और 15 अक्टूबर को आया कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR। उसके बाद है हमारे पास केस, 25 अगस्त को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी और BCL आया इनका 26 अगस्त को, 15 अक्टूबर को आया इनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड OPR यानी PPR। उसके बाद है हमारे पास, एक बार सारी फ़ोटोज़ कर ही लेते हैं चेक, 24 अगस्त को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, 25 अगस्त को आया BCL, 15 अक्टूबर को आया कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR। नेक्स्ट है ISI कॉलेज क्यूबेक का, 23 फरवरी को फाइल लॉन्च हुई थी, 24 को आया BCL, 9 जून को आया रिक्वेस्ट लेटर, 4 अक्टूबर को मेडिकल रिक्वेस्ट, 15 अक्टूबर को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड 15 को ही PPR। उसके बाद है मॉन्ट्रियल की एक और फाइल, ISI कॉलेज, ये सेम ही है, 17 नहीं डिफरेंट है। फाइल लॉन्च हुई 17 अक्टूबर 2020 को, बायोमेट्रिक 24 दिसंबर दिल्ली में हुए, आल 7 बैंड, ISI कॉलेज, कोर्स IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेडिकल हुआ था इनका 8 अगस्त को और री मेडिकल रिक्वेस्ट आई 12 सितंबर 2021, री मेडिकल अपडेट हुआ 23 सितंबर को ही और 15 अक्टूबर को PPR। तो फोटो सारी हो चुकी हैं और लास्ट केस है हमारे पास, 10 अगस्त को मेडिकल हुआ, 28 अगस्त को वीज़ा फाइल हुआ, 23 सितंबर को बायोमेट्रिक हुए और सेम डे अपडेट हुए, मेडिकल अपडेट प्लस BVL प्लस PPR 15 अक्टूबर को आया। तो ये सारे केसेस हैं, तो मेनली हम यही देख सकते हैं कि जो क्यूबेक की फाइल्स हैं उनका कोई भरोसा नहीं कब अप्रूवल आए, और जो बाकी केसेस हैं लाइक अगस्त वाले SDS के, वो अब अप्रूवल जो हैं वो हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। 16th की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।